टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब इंडियन टीम अपने देश वापस लौटी तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसा सबने सोचा था। सबने सोचा था कि यार 17 साल के बाद ट्रॉफी आ रही है, इंडिया के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिरी बार जब 2007 में MS धोनी और उनकी टीम ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी और जब वो वापस इंडिया लौटे थे तो वो सारे पिक्चर्स हमें आज तक याद हैं। वो पिक्चर्स जब बड़े नंबर्स में चाहे लोग हों, चाहे जर्नलिस्ट हो या कोई भी इंडियन फैन हो, सब MS धोनी को देखने के लिए, उनकी टीम को देखने के लिए और ट्रॉफी को देखने के लिए सब एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे। और ऐसा लगा कि उसका एक रिपीट टेलीकास्ट हमने इस बार देखा, क्योंकि जब 17 साल के बाद रोहित शर्मा और उनकी इंडियन टीम एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर इंडिया पहुंची तो दिल्ली एयरपोर्ट पे सारे फैंस ने मिलकर पूरी इंडियन टीम का एक भव्य स्वागत किया। चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे इंडियन फैंस हो या हर वो इंसान जो इंडियन टीम से प्यार करता है, जो 17 सालों से इस ट्रॉफी का इंतजार कर रहा था, वो इंडियन टीम से मिलने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हुए थे। पूरा ग्रैंड वेलकम हुआ, उसका एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमने बहुत सारी फोटोज देखी जिसमें हम देख सकते थे कि बहुत सारे फैंस ने इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलकर सेल्फीज खिंचवाई, इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलकर डांस किया, भांगड़ा किया, खूब जश्न मनाया। और इस पूरे स्वागत के बाद इंडियन टीम अपने अपने होटल रूम चली गई थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि इस आराम के बाद इंडियन टीम को मिलना था इंडिया के PM यानी कि नरेंद्र मोदी से। वो वीडियो आपको अभी भी याद होगी, 2023 वर्ल्ड कप जब इंडियन टीम हारी थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नरेंद्र मोदी ने सारे इंडियन प्लेयर्स को अपने यहाँ इन्वाइट किया था मिलने के लिए, उन्हें थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए उनका, और एक बार फिर ऐसा ही हुआ। और इस बार तो खैर जीत की खुशी अलग थी। जब पूरी इंडियन टीम PM नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची तो उसका भी एक वीडियो वायरल हुआ। इस पूरे वीडियो में हम देख सकते हैं कि जैसे पूरी इंडियन टीम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचती है, उनसे बातचीत करती है, उनके साथ फोटोज खिंचवाती है और नरेंद्र मोदी सबको जीत की बधाई देते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो में आई एम श्योर आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, जो बहुत लोगों ने नोटिस की और जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। अब हुआ ये कि जब पूरी इंडियन टीम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर जब एक ग्रुप फोटो लेने जाती है तो लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी को नहीं छुआ। मतलब जब ये फोटो खिंचवाने के लिए आए तो एक साइड रोहित शर्मा खड़े थे, दूसरी साइड राहुल द्रविड़ खड़े थे और फिर पूरी टीम खड़ी हुई थी। और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के हाथों में ट्रॉफी थी, नरेंद्र मोदी के हाथों में ट्रॉफी नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने राहुल द्रविड़ का हाथ पकड़ा था और साथ में रोहित शर्मा का हाथ पकड़ा था और उन्हीं दोनों के हाथ में ट्रॉफी भी रखी हुई थी। तो यार लोगों के मन में सवाल आया कि यार नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली ट्रॉफी क्यों नहीं पकड़ी, मतलब ये जस्ट एक रैंडम चीज है या फिर सच में इसके पीछे कोई वजह है। फिर याद आया कि यार इवेंचुअली जब आप एक पॉलिटिशियन से मिलते हैं, PM से मिलते हैं या किसी भी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है तो वो कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे यार वजह तो होती है। और बहुत लोग अब अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली ट्रॉफी को टच नहीं किया, उन्होंने रोहित शर्मा का हाथ पकड़ा, राहुल द्रविड़ का हाथ पकड़ा और उन दोनों के हाथ में ट्रॉफी रखी हुई थी। तो चलिए अब थोड़ा सा आपको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक क्रिकेटिंग रीजन क्या हो सकता है और एक पॉलिटिकल रीजन क्या हो सकता है जो बहुत लोगों ने निकाला। अब देखिए अक्सर जब भी कोई टीम एक ट्रॉफी जीती है या एक टाइटल जीतती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस ट्रॉफी पे सिर्फ उन प्लेयर्स का हक होता है जिन्होंने वो ट्रॉफी जीती है। अब चाहे वो फुटबॉल की ट्रॉफी हो, वो क्रिकेट की ट्रॉफी हो या वो कोई भी ट्रॉफी हो, कोई भी ऐसी अचीवमेंट जो कि एक प्लेयर ने खुद से जीती है उस पर सिर्फ उसका हक है, किसी और का हक नहीं है। ऐसा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कहा जाता है, ऐसा अक्सर कहा जाता है। और शायद यही वजह थी, इससे पहले भी आपको याद होगा जब विराट कोहली अपना प्लेयर ऑफ द मैच जीतने के बाद जतिन सप्रू के साथ इंटरव्यू कर रहे थे। अब वैसे जतिन सप्रू एक बहुत रिनोन कमेंटेटर हैं, विराट कोहली के बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी जतिन सप्रू ने विराट कोहली के प्लेयर ऑफ द मेडल को टच नहीं किया। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनका जो मेडल था उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो मेडल विराट कोहली का था, उसको टच करने का हक नहीं बनता जतिन सप्रू का, और उन्होंने नहीं किया। इवन नीरज चोपड़ा जब इंडियन टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत कर आई थी तो नीरज चोपड़ा ने भी ऐसा ही किया, वो इंडियन टीम के साथ थे, इंडियन टीम से मिले, लेकिन उन्होंने एक बार भी ट्रॉफी को टच नहीं किया। अब कहने को नीरज चोपड़ा एक ओलंपिक चैंपियन है, भला अगर वो चाहते तो उन्हें कौन रोक सकता था या कोई क्या कह सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर है, उनको भी पता है कि जो टाइटल जीता है, जो ट्रॉफी जीता है उस पर पूरा हक उन्हीं का है। और शायद यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी से इंडियन टीम मिलने पहुंची तो नरेंद्र मोदी ने ट्रॉफी को टच नहीं किया, उन्होंने उन हाथों को टच किया जिन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। अब ये तो एक क्रिकेटिंग एंगल है जिसका मतलब बहुत लोगों ने निकाला। अब जरा एक पॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं जो इस टाइम बहुत वायरल हो रहा है, स्पेशली जो बीजेपी के पेजेस हैं, जो बीजेपी के फैन पेजेस हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसमें ये बात नोटिस कराने की कोशिश की गई कि यार नरेंद्र मोदी को उन हाथों की इंपॉर्टेंस पता है, उन्होंने उन हाथों को पकड़ा, उन्होंने उन ट्रॉफी को नहीं पकड़ा, उनके लिए प्लेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब इस कहानी की शुरुआत हुई 1983 वर्ल्ड कप से। एक फोटो बहुत वायरल हो रही है इस टाइम सोशल मीडिया पे, जब इंडियन टीम 1983 वर्ल्ड कप जीतकर वापस लौटी थी तो जो इंडियन टीम ने ट्रॉफी जीती थी वो ट्रॉफी इंदिरा गांधी के हाथ में थी, यानी इंडियन टीम इंदिरा गांधी के साथ खड़ी हुई थी और उन्हीं के हाथ में ट्रॉफी रखी हुई थी। इसके बाद 2007 का T20 वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब इंडियन टीम वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर वापस लौटी तो इंडियन टीम की एक ग्रुप फोटो वायरल हुई सोनिया गांधी के साथ।
अब वैसे सोनिया गांधी उस टाइम ना ही प्राइम मिनिस्टर थी, ना ही कोई बहुत बड़े पद पे थी, वो सिर्फ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी। उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। तो अगर एक ग्रुप फोटो बनता भी था तो प्राइम मिनिस्टर के साथ बनता था, यानी अगर इंडियन टीम के साथ एक ग्रुप फोटो होना भी था तो वो मनमोहन सिंह का होना था। सोनिया गांधी के साथ क्यों फोटो खिंचवाई गई? लेकिन अब नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ना ही उस ट्रॉफी को टच किया, ना ही सीधा उस ट्रॉफी को पकड़ा, उन्होंने उन हाथों को पकड़ा जिसने ये ट्रॉफी जीती है। अब खैर ये साइड कितनी सच्ची है कितनी गलत है इसकी बात तो आपके ऊपर है, आप जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से आप इस बात को देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमेशा आपको डबल साइड दिखेगी। जब भी किसी स्टोरी से एक पॉलिटिकल एंगल जुड़ा होता है तो लोग अपने अपने व्यूज बना लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये पीएम नरेंद्र मोदी की अच्छी बात है कि आपने ट्रॉफी जीती है, और क्रिकेटिंग हिस्ट्री में भी कहा ही जाता है कि जो ट्रॉफी जीता है उसी का हक होता है ट्रॉफी पर, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ट्रॉफी को नहीं पकड़ा, उन्होंने राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के हाथों को पकड़ा। और दूसरी साइड यह आई कि जैसे इंदिरा गांधी ने किया, जैसे सोनिया गांधी ने किया, वैसा नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। अब खैर जो भी हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इंडिया के सारे प्लेयर्स का एक भव्य स्वागत किया, उनसे मिले, उनके साथ बातचीत की। 2023 में जो कसर पूरी रह गई थी वो इस बार पूरी कर दी। लेकिन आप इस एंगल को कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने उस ट्रॉफी को टच करने की जगह रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के हाथों को क्यों टच किया? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।